आज हम लोग आए हुए थे मकरो मकरो सो हमने चक्का गाड़ी ले लिया है मीन्स 500 रुपये का ये ग्रीन चिली है। वर्जिन है कोकोनट ऑयल, खुद तो वर्जिन है नहीं, वर्जिन कोकोनट ऑयल चाहिए इसको। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सैम्स ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे होंगे। एक्चुअली आज हम लोग आए हुए थे मकरो। मकरो यहाँ का सुपरमार्केट है। सो अचानक से मुझे ध्यान आया क्यों ना आप लोगों को मकरो दिखा दिया जाए, यहाँ का सुपरमार्केट एक्चुअली होता क्या है एंड ज़रूरत की चीज़ें क्या क्या मिल जाती है यहाँ पे इंडियंस के लिए। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या है अंदर, चलते हैं। और हमेशा की तरह सरोज भी है इधर, आप देख सकते हैं इसको। सो ये रहा मकरो सुपरमार्केट। यानी देख रहे होंगे ये मेन रोड है और वहाँ से हमारा एंट्री है यहाँ पे इस सुपरमार्केट में जाने के लिए। और ये सारा जो आप देख रहे हैं इधर, ये सारा पार्किंग का एरिया है। सो चलते हैं अभी। सो हमने चक्का गाड़ी ले लिया है सो कुछ यहाँ से इस तरह का एंट्री आप देख सकते हैं। घुसते ही ये कैफे अमेजोन एंड फूड सेंटर भी है इधर इस साइड, जहाँ के आप लोग कुछ खा सकते हैं। ये कुछ यहाँ से ब्रेड का सेक्शन है, बेकरी का सेक्शन, यहाँ से आप कुछ ले सकते हैं खाने के लिए। यहाँ पे ब्रेड वगैरह मिल जाता है, जितने भी बेकरी के आइटम्स हैं वो मिल जाते हैं। हैव अ लुक। चॉकलेट मिल्क टोस्ट ब्रेड लिया है हमने, चला जा। ये सारे जो आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे ये कुछ बना बनाया पिज्ज़ा है, जो कि बना होता है, सिर्फ जाके शेकना होता है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। इसका सेक्शन है इधर, आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। ये जो सुपरमार्केट है यहाँ पे ना सारी चीज़ें मिल जाती है, जितने लिए इसेंशियल चीज़ें हैं सारे आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। ये सारे आप देख पा रहे होंगे फ्रूट का सेक्शन है। सभी प्रकार के फल यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको जो भी चाहिए होगा सब मिल जाएगा यहाँ। ये सारा ऑर्गेनिक फार्म से लाया हुआ होता है। ओके ये आप देख सकते हैं, इतना सा ग्रीन चिली जो है ये $5.80 का है, $5.80 अप्रॉक्सीमेट $6 मीन्स 480 मीन्स 500 रुपये का ये ग्रीन चिली है। पूरा वेजिटेबल्स का सेक्शन है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बोथ यू कैन से। ये सारी सब्जियां यहाँ पे मिल जाती है, आप देख सकते हैं करेला, बैंगन, गाजर, टमाटर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे ये भी एक तरह का टमाटर है, और टेस्ट कैसा है कभी मैंने टेस्ट किया नहीं है। ये $1.60 का है एक, मीन्स अराउंड 100 रुपीज़ का एक बॉक्स है। तो ये सरोज चिल्ली एंड मैंगो का स्टिकर लगवा के आया है, बिकॉज विदाउट स्टिकर हम बिलिंग नहीं करवा सकते यहाँ पे। ये सारे बंदा गोभी, गाजर, यहाँ का मूली देखिए कितना बड़ा होता है, ये मूली नहीं कुछ और ही लग रहा है। ये सारे स्पाइसेस हैं यहाँ पे, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है, काजू किशमिश एंड ऑल, सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये सारे पीनट्स और कुछ तरह के दाल भी मिल जाते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये रहा दाल।
दाल है, नट्स है एंड ऑल, ये सारा सेक्शन, वो उधर का सारा चीज़ें आप देख रहे होंगे, वो सारे स्पाइसेस हैं। अरे प्याज, लहसुन एंड ऑल, ये जो आप इधर का सेक्शन देख रहे हैं ये पूरा फिश एंड सी फूड का सेक्शन है। ये देखिए, ये सैल्मन फिश है, इसको ऐसे काट काट के ये लोग रखते हैं यहाँ पे। एक्चुअली इन लोगों की दिन की शुरुआत बिना नॉन वेजिटेरियन के होता ही नहीं है, सो इनके लिए कंपल्सरी होता है। ये सारे सी फूड्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्या है, मेरे को तो नहीं पता, मैं कभी खाता भी नहीं, मेरे को पसंद भी नहीं है, मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी, मेरे को क्या मतलब है इन सब चीज़ों से। सरोज कभी कभी खा लेता है। तो ये सारे सी फूड्स हैं, आप देख रहे हैं, क्रैप्स भी दिख रहा होगा उधर, क्रैप। यहाँ पे बहुत बहुत प्रकार के मछलियाँ देखने के लिए मिल जाएगी आपको, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत तरह की मछलियाँ हैं। लीजिए केकड़ा, कितना बड़ा बड़ा केकड़ा है। एक्चुअली ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, सारे अप्रॉक्सीमेट सारे जीव को खा लेते हैं। पिकल्स हैं, अचार है, ये लोग इस तरह का अचार खाता है। अब ये पता नहीं इसके अंदर क्या क्या है, वेजिटेबल्स एंड ऑल है, बट ठीक है, हमने कभी टेस्ट नहीं किया है। लाइक फ्रूट्स के लिए ऑर्गेनिक फार्म्स बहुत सारे हैं, और एग्स के लिए भी बहुत सारे फार्म्स हैं यहाँ पे। ये एग्स जो हैं यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, आप देख सकते हैं $1.40 का 10 एग है। आज कलरफुल एग भी मिल जाता है आपको देखने के लिए, आप देख, मिल्क से बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है उसका एरिया है, और ये कुछ फ्रोजन्स वगैरह जो होते हैं ना वो रखे हुए होते हैं इधर। ये सारा सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं सब चीज़ों का है। यहाँ से हम लोग दूध लेंगे, बिकॉज सरोज को बिना कॉफ़ी के, बिना चाय के रहा नहीं जाता है। सरोज, इधर आप देख सकते हैं बहुत तरह का मिल्क मिल जाता है, बहुत सारे ब्रांड्स का। एक्चुअली ये सारे फार्म का मिल्क है। अब यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे कुछ सुंदर कन्या मिलेंगी आपको। ये सरोज जो है वो आपत्तिजनक शब्द का उपयोग कर रहा है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं बट कुछ कर नहीं रहे हैं। अब ये सारा जो चीज़ आप देख रहे होंगे ये वाइन एंड लिकर, सो ये सारा सेक्शन वाइन एंड लिकर का है, ये हमारे काम का तो नहीं है। बट जो लोग शौकीन हैं आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत तरह का वाइन्स एंड लिकर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। सो अब आगे
देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए ये लेज भी मिल जाता है, लेज बिस्किट्स एंड ऑल दैट। ये सरोज कुछ दिखा रहा है ये भी एक तरह का स्नैक्स है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली ये इसका फेवरेट है इसलिए ये दिखा रहा है ये सारा एरिया जो है वो स्नैक्स का एरिया है, पैकेट फूड्स आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये यहाँ से किड्स केयर का सेक्शन शुरू हो जाता है, लाइक बच्चों के लिए कुछ भी खरीदना हो, लाइक डायपर्स, बच्चों का जो भी इसेंशियल चीज़ें होती है, सॉप सॉप से लेके शैम्पू एंड ऑल, वो सारे बेबी केयर्स का आइटम्स जो है वो इस सेक्शन में मिल जाता है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम भी कुछ मिल जाते हैं, जैसे किचन का सामान हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। आप एक ओवरव्यू देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सो फाइनली हम लोग विलिंग काउंटर के पास आ चुके हैं। ये विलिंग काउंटर के पीछे का सीन है, आप देख सकते हैं और ये सारा जो है हमारा काउंटर्स है, डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स हैं। सो फाइनली ये हमारा मकरो का एक छोटा सा टूर था, होप आप सभी को पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अगर आपको कोई सजेशन होगा तो आप प्लीज़ दे दें मुझे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।